ह्यूमन राइट्स भारत गौरव सम्मान फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सैयद तालिब बाबा ताजबाग वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स भारत गौरव सम्मान फाउंडेशन संगठन इनको बम से उड़ाने व महिला संगठन के बारे में पाकिस्तानी आतंकियों की धमकी भरा मेल सीधा लिखा है कि अगर हिंदू राष्ट्र के हित में या हिंदुओं के समर्थन में बात करी तो तन से जुदा कर व बम से उड़ाने की धमकी है। हाल ही में नागपुर में 12 दिसंबर को भारत गौरव सम्मान अवार्ड शो रखा गया था, जिसमें अयोध्या से जगतगुरु परमहंस आचार्य व मुंबई से संत एकनाथ जी महाराज आए थे। उसी कार्यक्रम में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स भारत गौरव सम्मान फाउंडेशन के संस्थापक राजिक खान ने हिंदू राष्ट्र के लिए अपना समर्थन जाहिर किया और बताया कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, जैसे हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही हम हिंदू राष्ट्र की लड़ाई में शामिल हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले इसी हिंदुस्तान में रहेंगे, चाहे वो कोई भी जाति का हो, इसलिए हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान के लिए मरना भी पड़े तो एक ही बार मरेंगे, कितनी भी धमकी आ जाए। वैसे ही हमने छत्तीसगढ़ रायपुर में भी अवार्ड शो किया गया, उस समय भी सभी जाति धर्म के लोगों को आमंत्रित किया गया था। जब से कट्टरपंथी इस्लामी संगठन ने धमकी देना शुरू कर दिया, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स भारत गौरव सम्मान फाउंडेशन नेशनल मेंबर राष्ट्रीय आखरे ने इसकी पहल की है। अब ये देखना है कि हमारी रक्षा कौन करेगा। फाउंडेशन के आज हमारे साथ तालिब बाबा जुड़े हुए हैं, उनको पाकिस्तान से इसके पहले भी मेल आ चुके हैं, धमकी भरे फोन आ चुके हैं और उन्हें एक सिक्योरिटी के इसमें दो गार्ड्स मिले हैं। लेकिन आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण ये है कि तालिब बाबा जो है बाहर हिंदू राष्ट्र एकता के लिए जो घूमना चाहते हैं वो घूम नहीं पा रहे हैं और वो कट्टरवादी को खत्म करना चाहते हैं और उसी पे वो काम शुरू कर चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान से उन्हें हमेशा धमकी आ रही है और इस बार की जो धमकी है वो हमारे संगठन को लेके है, मतलब तो संगठन में महिला को भी उड़ाने की धमकी दे चुके हैं। वो दूसरा बार निकलता है जो साप्ताहिक है भ्रष्टाचार का सामना जो 13-14 साल अभी हाल ही में 12 दिसंबर को मैंने मैंने भारत गौरव सम्मान अवार्ड फंक्शन रखा हुआ था, जिसके तहत महंत एकनाथ जी और अयोध्या से राजहंस जी वो आए हुए थे हमारे साथ। और हमारे फाउंडेशन में आने के बाद जो हिंदुस्तान का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमें पद दिया तालिब बाबा को, और वो बड़े प्रेरित हुए। मैंने वहाँ से स्पीच किया और मैंने बोला कि मैं महंत जी के साथ हूँ, मुसलमान होने के नाते मैं जाति धर्म से निकली हूँ और उसके नाते कि हिंदू राष्ट्र हमारा हो जाए ताकि हमारे हिंदुस्तान में सभी धर्म सभी जाति के लोग एकत्र रहे और कट्टरपंथी किसी भी धर्म में नहीं होना चाहिए। इसी बात को हमने उठा करके और सामने जो मुहिम चलाया तो बाबा जी को तालिब बाबा को इसके पहले की ओर धमकी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये जो मुझे लेटर आया है आतंकवादियों का, तो मैं ये आपके लेटर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये लेटर कोई मजाक नहीं है, कोई खेलगम्मत का लेटर नहीं है। आज ये किसी को लेटर आ जाए, कोई मंत्री को आ जाए, कोई डिपार्टमेंट के लोगों को आ जाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है आज। तो आज मैं एक वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स का एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पुलिस कमेटी का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो आज मुझे और मैं हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन यूसुफ़ बाबा ताजी उनका बेटा हूँ और एक मैं संत इंसान हूँ। आज ऐसे संत के बेटे को और संत को ऐसा मैसेज आना और एक कमेटी से जुड़ा हुआ इंसान को ऐसा मैसेज आना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये लेटर ऐसा आतंकवादियों का ऐसा लेटर आना, और आए दिन इसके पहले भी लेटर आते हैं आए हैं बम से उड़ाने के, मेरे को कार से गालियों फ़ोन के ऊपर धमकियाँ जान से मारने की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि ये देखिए एक लेटर कोई मजाक नहीं है। आज एक मंत्री को आ जाए तो आप इसका बहुत बड़ा यानी चैनल के ऊपर में तूफान आ जाता है। आज उनके घरों पे सुरक्षा का भरमार लग जाता है। और आज मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ भी तो एक मैं सन का बेटा हूँ, एक कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ, अरे पुलिस कमेटी से भी जुड़ा हुआ इंसान हूँ, अरे वर्ल्ड ह्यूमन राइट से भी जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों। और एक पेपर में भी झूठ दे दिया जा रहा है कि मैं मेरे घर पे सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया गया है, मेरे साथ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बल्कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
और आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि ये झूठ बात ना कहा जाए, जो सच है वो सच लिखा जाए न्यूज़ के अंदर तो अच्छी बात है। मुझे सुरक्षा जो है तो सुरक्षा बढ़ाना नहीं है, सुरक्षा वो नहीं कर, सुरक्षा मेरे को ऐसी चाहिए जो भी जो पिस्टल धाया पिस्टल जिनके पास है, जो सुरक्षा गार्ड है मेरे पास में, एक पिस्टल से एक आतंकवादी और एक कट्टरवादियों का मुकाबला कितना कौन कर पाएगा? उनके पास तो बड़े बड़े हथियार होते हैं, तो उनका मुकाबला पिस्टलधारी कहाँ कर पाए? वो अपनी भी सुरक्षा कर नहीं पाएंगे ना मेरी सुरक्षा कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी सुरक्षा काट दी जाए कि वो अपनी भी सुरक्षा कर पाए और हमारी भी सुरक्षा कर पाए। बस यही कहते हुए मैं आपके चैनल को से बोलूँगा कि आज थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।